रानीगंज के चलबलपुर इलाके में गत 21 अप्रैल को दो दिनों से लापता ससुर और दामाद की सड़ी गली लाश बरामद हुई थी। तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष और जोड़ा साको के विधायक विवेक गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मृतकों के घर पहुंचा, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। परिजनों ने एक बार फिर हत्या का आशंका जताते हुए न्याय की गुहार लगाई। विधायक विवेक गुप्ता ने मृतकों के परिजनों को सहयोग का आश्वासन दिया। रानीगंज थाना क्षेत्र के चलबलपुर इलाके में परित्यक्त खदान से गत 21 अप्रैल को 42 वर्षीय विपिन भुइया और 35 वर्षीय दामाद राकेश कुमार की सड़ी गली लाश बरामद हुई थी। शनिवार को तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष, पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के चेयरमैन और जोड़ासाको विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मृतकों के घर पहुंचा, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। विधायक विवेक गुप्ता के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के सामने मृतक विपिन भुइया की पत्नी मीना भुइया और राकेश की पत्नी मीरा देवी फूट फूट कर रो पड़ी और उन्होंने एक बार फिर अपने पति की हत्या की आशंका जताते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान मीना भुइया और मीरा देवी ने विस्तार से पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और वे दोनों बोलते बोलते बीच में ही भावुक हो जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू छलक जा रहे थे, जिससे पूरा माहौल गमगीन हो उठा था। उनके चेहरे पर सुहाग उजड़ने का गम साफ झलक रहा था और माथे पर परिवार के भविष्य की चिंता की लकीरें नजर आ रही थी। मृतक विपिन की पत्नी मीना भुइया ने एक बार फिर दोहराया कि उनके साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उसके पति के साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विधायक विवेक गुप्ता ने मृतक के परिजनों के आंसू पोंछते हुए उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और उनसे इस घटना की गहन जाँच की मांग की है, जिससे कि पूरा सच सामने आ सके। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मनोज यादव, जिला अध्यक्ष सिंटू भुइया, रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया, रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पार्षद रुपेश यादव और दयाशंकर राय विशेष रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আপনাদের শহর রানীগঞ্জে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে উচ্চ শ্রেণীর সুবিধা এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামে পরিপূর্ণ রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, যেখানে অভিজ্ঞ ডক্টর ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও স্টাফেদের টিম রোগীদের উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রতিবদ্ধ। রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে আপনারা পাবেন ডায়ালিসিস, প্যাথোলজি, সিটি স্ক্যান, এক্সরে, ইউএসজি, জেনারেল সার্জারি, মাইক্রো সার্জারি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজি, গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি, অর্থোপেডিক সার্জারি, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল, অনকোলজি, পুলমোনোলজি সহ 24 ঘন্টা এমার্জেন্সি পরিষেবা, 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সহ আরও বিভিন্ন সুবিধা। এবং রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেও চিকিৎসা পরিষেবা। রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, NH2 পঞ্জাবি মোড়, রানীগঞ্জ। টোল ফ্রি নম্বর 1800121357, মোবাইল নম্বর 7479002900, 7479002901, 7479002902।